नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स। 13 अप्रैल 2018 का डे बाय डे करंट अफेयर्स सेशन, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि स्टेट लेवल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 5G प्रयोगशाला की स्थापना किस संस्थान ने की है? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली के द्वारा की गई है, और IIT दिल्ली ने 5G उपकरणों के मानवीकरण, अनुसंधान और विनिर्माण के लिए एंटीना की एक श्रेणी के साथ एक रेडियो प्रयोगशाला की स्थापना की है। वर्ष 2018 का एशिया कप को भारत से किस देश में स्थानांतरित किया गया है? जी हाँ, तो अभी यह क्रिकेट एशिया कप जो है भारत में आयोजन होना था, लेकिन अब यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन होगा। इस क्रिकेट स्पर्धा में 50 ओवर्स के मुकाबले में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भाग लेंगे। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 17 अप्रैल 2018 को किया जाना है, और यह आयोजन स्टॉकहोम में आयोजन किया जाएगा, और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 130वां। जी हाँ दोस्तों, 130वां मिला है। कोई भी रैंकिंग होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ष 2018 में आर्थिक स्वतंत्रता में भारत में सुधार हुआ है, इसमें 180 देशों की समीक्षा की गई। छात्रों के बीच गणित विषय की कठिनाई को दूर करने के लिए 11 अप्रैल 2018 को गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा। जी हाँ दोस्तों, और यह जो समिति होगी वो गणित विषय की कठिनाई को, तो यह गणित विषय की कठिनाई को दूर करने के लिए की गई है। गणित में जो डर लगता है छात्रों को, और यह मानव संसाधन विकास केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यह समिति का गठित की गई है। किस राज्य द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए क्वालिटी एबुलेशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर क्वेस्ट पहल का शुभारंभ किया? वह कौन सा राज्य है जिसे क्वेस्ट का जो जनजातीय कल्याण के लिए किया? यह महाराष्ट्र राज्य ने किया है, जो जनजातीय विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके द्वारा। तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? जी हाँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वो गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के राज्य में बनाया जाएगा, और यह गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में 5000 मेगावाट क्षमता वाले सौर पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना 11000 हेक्टेयर भूमि में 25000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित की जाएगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। राष्ट्रमंडल खेल में सुशील कुमार ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ दोस्तों, तो यह स्वर्ण पदक जीता गया है सुशील कुमार के द्वारा, और पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम प्रतियोगिता में यह जीता है। वहीं राहुल अवारे ने कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता, जो कि पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम की प्रतियोगिता में जीता। तो तेजस्विनी सावंत ने निशानेबाजी में 50 मीटर स्पर्धा में अभी रजत पदक जीता दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपनी पहली वैश्विक परियोजना की समझौता कौन से देशों की त्रिपक्षीय राजमार्ग का हिस्सा है? जो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक विश्व स्तरीय जो समझौता किया है वो पहला विश्व स्तरीय समझौता है, तो उसमें कौन से जो राजमार्ग है वो हिस्सा है, वो है भारत म्यांमार थाईलैंड। ध्यान दें दोस्तों, भारत म्यांमार थाईलैंड है। यह परियोजना विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो देखते हैं, कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है, जो अपने भारत देश के हैं? तो वह हैं किदंबी श्रीकांत। जी हाँ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में सीट्स पर आ गए हैं, और वर्ष 2017 में किदंबी श्रीकांत लगातार सुपर सीरीज जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2017 में श्रीकांत प्रकाश पादुकोण के बाद डेनमार्क ओपन जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। तो यह जो है ये
श्रीकांत के बारे में थोड़े फैक्ट हैं दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं कि 2017 में जो सुपर सीरीज जीती वह श्री किदंबी श्रीकांत ने जीती, और जो डेनमार्क ओपन जीते वो भी किदंबी श्रीकांत ने जीता। दोस्तों अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स के वन लाइनर फैक्ट। मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो राजेश रंजन को बनाया गया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर निर्देशों को पालन नहीं करने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो IDBI बैंक पर लगाया गया है। कौन से देश के क्रिकेटर अन्या सर्वशोर क्रिकेटर की क्रिकेट की मशहूर पत्रिका विजडन के कवर पेज पर फीचर होने वाली पहली महिला क्रिकेट बनी है, तो वह इंग्लैंड की हैं जो उसकी पहली पेज पर अभी प्रकाशित हुई हैं। भारत ने किस देश के साथ नाभिकों के सामर्थ्य को मान्यता देने वाले संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच इस प्रकार के जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 11 अप्रैल को मनाया जाता है। SBI के अध्यक्ष कौन है, दोस्तों मैं आपको माफी चाहता हूं, कल 12 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स थी उसमें त्रुटि हो गई थी, कहीं अरुंधति भट्टाचार्य को SBI का अध्यक्ष बता दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो रजनीश कुमार हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन केंद्रीय मंत्री कौन है, तो DV सदानंद गौड़ा है। जनजातीय कार्य केंद्रीय मंत्री कौन है, तो UL ओराम है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हमने यह 13 अप्रैल का डे बाय डे करंट अफेयर सेशन देखा, अब हम दोस्तों 14 अप्रैल 2018 का करंट अफेयर सेशन हम अपलोड करेंगे। यदि आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दोस्तों आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।